कोरोना वायरस महामारी के पहले 2 साल में दुनिया के 99% लोगों की आमदनी में गिरावट आई है और 16 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब की श्रेणी में आ गए हैं। हालांकि बेहद अमीर लोगों की आमदनी पर कोरोना महामारी का कोई असर देखने को नहीं मिला और दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति इस दौरान प्रतिदिन $1.3 अरब यानी करीब 9000 करोड़ रुपए की दर से बढ़कर $1500 अरब पर पहुंच गई है। ये जानकारी ऑक्सफाम इंटरनेशनल नाम की एक संस्था की रिपोर्ट से मिली है। इनइक्वालिटी किल्स नाम से जारी इस रिपोर्ट को स्विट्जरलैंड के डावोस शहर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आयोजित एक शिखर सम्मेलन के पहले दिन जारी किया गया। ऑक्सफाम इंटरनेशनल ने कहा कि असमानता के चलते रोजाना कम से कम 21,000 लोग या प्रति 4 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। इस रिपोर्ट में हेल्थ केयर, लिंग आधारित हिंसा, भूख और जलवायु की वजह से दुनिया भर में होने वाली मौतों पर निष्कर्ष निकाला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति कोरोना महामारी के पहले 2 साल के दौरान $15,000 प्रति सेकंड की दर से बढ़ी है, यानी कि ये 10 व्यक्ति अपनी संपत्ति का 99.999% गवा भी देते हैं तो भी दुनिया के 99% लोगों से ज्यादा अमीर रहेंगे। ऑक्सफाम इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैब्रियला बूचर ने कहा, दुनिया के 10 सबसे अमीरों के पास सबसे गरीब 3.1 अरब लोगों की तुलना में 6 गुना ज्यादा संपत्ति है। उन्होंने कहा कि अरबपतियों की संपत्ति पिछले 14 साल की तुलना में महामारी के पिछले 2 साल में सबसे तेजी से बढ़ी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।